इस वक्त हम मौजूद हैं बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी जो पहले पंचायत में आता था, अभी पहली बार जो है ये बेनीपट्टी नगर पंचायत बना है। नए नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि अभी महिलाएं जो कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें कोई भी फील्ड की, अब तो राजनीति में भी महिलाएं जो है आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में भी बहुत सारी महिलाओं ने जो है मुखिया का चुनाव लड़ा, सरपंच का चुनाव लड़ा। तो आप कह सकते हैं कि महिलाएं भी जो है अब कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, अपने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहती है। यहाँ पे शहनाज बेगम है और इस बार जो है बेनीपट्टी नगर पंचायत से जो है मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है। इनसे बात करेंगे क्या इनकी सोच है, ये क्यों जो है आखिर चुनाव लड़ना चाहती है। तो चलिए सीधा बात करेंगे यहाँ पर शहनाज बेगम से। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों। शहनाज बेगम। शहनाज बेगम, आपको क्यों लगा कि नहीं हमें चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे इस चुनाव में हर क्षेत्र में महिला की भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ जेंट्स लोग ही खड़ा हो। आजकल की महिला खुद भी अपने आप को इस काबिल समझती है कि हाँ, हम कुछ संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, इसीलिए इस फील्ड में आए हैं। कहीं ना कहीं जो है महिलाएं पहले से ज़्यादा सशक्त हो रही हैं, है ना, कुछ करना चाहती हैं, तो ये सोच कर आप आए हैं। अच्छा, ये बताइए आपका जो ये बेनीपट्टी है, पहले पंचायत हुआ करता था और अब नगर पंचायत हो गया। अच्छा, तो इसमें कितने वार्ड हैं? इसमें 22 वार्ड है। 22 वार्ड है। बेनीपट्टी के अलावा भी कोई गांव है क्या? बेनीपट्टी के अलावा भी अगल बगल में भी जो गांव है, हरदिया टोल है, कचरा है, सरसब है, कटैया हुआ, ये सब आ जाता है। अच्छा, आसपास में आप क्षेत्र में घूमती हैं? अभी फिलहाल अब आए हैं तो घूमना तो पड़ेगा। कितने दिनों से आप घूम रही हैं? एक महीने से। आपका मन कब बना था जो हम चुनाव लड़ेंगे इस बार? मन कब बना था? बस फिलहाल जब ये चुनाव जब इसमें आया, जनरल हो गया, तो सोचे कि हाँ, हम भी इस बार इसमें आ जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या माहौल है, नहीं है, उसमें जो हमसे सुधार बन पड़ेगा उसको हम सुधारेंगे। अच्छा, तो ये मन अचानक बना। क्या इससे पहले आप क्षेत्र में घूमते थे, कोई समस्या आपको नज़र आती थी पहले? नहीं, पहले तो उतना हम नहीं घूमते थे, लेकिन जब हम इस फील्ड में आए। एक महीने से आप घूम रही हैं, तो आपको क्या सब समस्याएं आप देख रही हैं? जब आप जाती होंगी तो कुछ तो देखती होंगी, सड़क खराब है, नाला नहीं है, नल जल योजना की स्थिति गड़बड़ है, या फिर गरीबी है, इंदिरा आवास नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते होंगे, क्या सब देखते हैं आप? वही सब देख रहे हैं। अभी हम जहाँ जहाँ भी गए हैं तो यहाँ का तो अभी ऐसी स्थिति है कि हर मोहल्ले हर गली में है जो है गरीबी स्थिति बहुत ज़्यादा है। इंदिरा आवास की भी कमी है जो पहले नहीं मिल पाया है। अगर हम इसमें जीत जाते हैं, अगर चुनाव लड़ने में जीत जाते हैं, जनता हमको सपोर्ट करती है, तो उसकी जितनी भी मुश्किलें हैं वो सबको हम दूर करना चाहेंगे। और सड़क की क्या स्थिति? सड़क यहाँ हर गली में है, जल जमाव लग जाता है, गड्ढा है, तो उसकी भी हर अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो सड़क भी बनवाने की काम करवाएंगे। अच्छा, पहले जो मुखिया थे इस पंचायत के, उन्होंने कितना विकास किया है ये बताइए? पहले जो भी था उससे तो हल्का सुधार तो किए हैं। अच्छा, पहले से थोड़ा काम हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं हमारा जो पंचायत और ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं। तो अभी आपको कितना भरोसा है, यकीन है आप इस बार जीतेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि हाँ, हम इस बार जीत जाएंगे, जनता का सपोर्ट है। क्या बोलते हैं जनता को जब आप क्षेत्र में जाती हैं, तो क्या कहती हैं उनको, किस मुद्दे पे आप वोट मांगती हैं? हम अगर गली में घूमते हैं, कोई भी फील्ड में जाते हैं, तो जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, अगर आप लोग मुझे साथ दे रही हैं, ये 5 साल का चुनाव है, आप लोग सोच समझ के अगर हमको जिताती हैं, वोट दे रही हैं, आपकी जो भी परेशानी है हम सारी परेशानी को दूर करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी तो ऐसे ही बोलते हैं कि हम परेशानी को दूर करेंगे, आप भी यही बोल रही हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद फिर विकास नहीं होता है, जनता तो वोट दे देती है। तो अगर आप यहाँ से मुख्य पार्षद बन जाती हैं, तो फिर आप विकास करेंगे यहाँ, ये भरोसा दिलाएंगे जनता को? जी, अगर जनता हमको सपोर्ट करती है तो हम जनता के विकास को पूरा करेंगे। जी, तो क्या मैसेज है आपकी, जो जनता है इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है, उनको क्या आप पैगाम देना चाहते हैं?
मैं जनता से ये पैगाम मैं देना चाहती हूँ कि हाँ, जितने भी जनता है वो मुझे एक बार इस फील्ड में उतरने का मौका दे, ताकि मैं हम इस फील्ड में अगर हम जीत जाते हैं तो उनकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, उसको हम सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार इसमें मेरी मदद करेगी, हम भी जनता की मदद करेंगे। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रही थी शहनाज बेगम, जो कि बेनीपट्टी नगर पंचायत से जो है इस बार मुख्य पार्षद की उम्मीदवार हैं। और आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।